हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं ख्याल आपका और मैं हूं आपके साथ अनुज शर्मा। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने हेल्थ शो में, जिसका मकसद है आपको हेल्थ से जुड़ी हर एक जानकारी देना। आजकल लोगों में खून की कमी, विटामिन डेफिशिएंसी, कमजोरी महसूस होना, जल्दी थकान हो जाना और कई तरह की बीमारियाँ पाई जाती हैं। इस तरह की बीमारियाँ अच्छा खाना ना खाने की वजह से होती हैं, क्योंकि स्वस्थ रहने के लिए ज़रूरी है सही पोषण लेना, यानी स्वस्थ आहार खाना। अगर व्यक्ति सही पोषण लेता है तो वो कई बीमारियों से दूर रहता है। इसलिए आज हम इस एपिसोड में हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि पोषण के महत्व के बारे में बात करेंगे। इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ है न्यूट्रिनिस्ट एंड डायबिटीज एडुकेटर, फाउंडर ऑफ न्यूट्रीवाइब्स, मिस शिवानी कांडवाल। शिवानी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू सो मच अनुज, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी। शिवानी, मेरा पहला सवाल आपसे है, सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि न्यूट्रिशन हमारे लिए कितना ज़रूरी है और एक बैलेंस डाइट किसे कहा जाता है, क्योंकि हमने बहुत डॉक्टरों से सुना है कि बैलेंस डाइट ले, बैलेंस डाइट ले, पर ये बैलेंस डाइट आखिर है क्या? बिल्कुल, देखिए इसके बारे में आजकल जोरों शोरों से चल रहा है कि हेल्दी डाइट लेना ज़रूरी है, न्यूट्रिशन का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। देखिए, न्यूट्रिशन इज़ फाउंडेशन ऑफ आर लाइफ, यानी कि द मोमेंट हम बॉर्न होते हैं या फिर मैं कहूँगी जब एक बच्चा वूम में होता है अपने मदर के, वहीं से न्यूट्रिशन के इम्पोर्टेंस के बारे में डॉक्टर बताना शुरू कर देते हैं और उसके इम्पोर्टेंस के लिए आपको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स कंज्यूम करने के लिए डॉक्टर बताना शुरू कर देते हैं, सो दैट बच्चे की ग्रोथ उस हिसाब से हो सके। तो आप समझ रहे हैं कि इट इज़ सो इम्पोर्टेंट that it starts from the womb itself and जब तक हम मरते नहीं है, यानी कि वृद्ध अवस्था तक जो है आपको न्यूट्रिशन का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि that determines the health of yours। तो वो बिल्कुल बहुत ज़रूरी है एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बैलेंस डाइट लें, सो दैट आपको हर तरीका का न्यूट्रिशन मिले और आपकी बॉडी प्रॉपरली वर्क करती रहे। शिवानी, आखिर में बैलेंस डाइट आखिर है क्या? बिल्कुल अनुज, तो बैलेंस डाइट का मतलब है कि जितने भी हमारे फूड ग्रुप्स होते हैं, हमारे पांच फूड ग्रुप्स होते हैं, एक होता है कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरा होता है प्रोटीन्स, तीसरे होते हैं हमारे विटामिन्स, चौथा होता है हमारे मिनरल्स और उसके बाद फिर हमारे पास होते हैं हमारा वाटर एंड फैट्स। तो मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूंगी, बैलेंस डाइट का मतलब है जिसमें ये सारे के सारे फूड ग्रुप्स हों, यानी कि कार्बोहाइड्रेट के लिए हमारे पास जितने भी अनाज होते हैं, डिफरेंट टाइप के अनाज हमारी डाइट में होना चाहिए। तो जब हम एक हेल्दी बैलेंस डाइट की बात करते हैं तो आपकी प्लेट में एक अच्छी क्वांटिटी में अनाज होना चाहिए किसी भी तरह का, जो कि डिफरेंट तरह के अनाज आप डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। इसके अलावा एक तरह का प्रोटीन बहुत ज़रूरी है, तो आप उसके लिए दालें इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप कोशिश कर सकते हैं कि आप दूध से बने हुए प्रोडक्ट ले लें, यानी कि दही आप ले सकते हैं, पनीर आप ले सकते हैं, न्यूट्रेला ले सकते हैं, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो कुछ नॉन वेजिटेरियन ले सकते हैं। इसके अलावा आपको फैट का कुछ गुड फैट्स अपने डाइट में इंक्लूड करने हैं, जिसके लिए आप सीड्स ले सकते हैं या फिर आप जो देसी घी होता है उसको, या फिर हेल्दी फैट्स जो हैं आपको नॉर्मल आप खाने में कुक करने के लिए उनको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि आप अपने डाइट में इंक्लूड करें हाई फाइबर चीजें, यानी कि सैलेड्स जो होते हैं उनको इंक्लूड करें आप। इसके अलावा वाटर को रेगुलरली अपने डाइट में, मतलब वाटर इज मेन पार्ट ऑफ द डाइट, तो उसको कंज्यूम करें। तो इसे हम बैलेंस डाइट कहते हैं जिसमें सारी चीजें जो हैं वो सम्मिलित हो, आपके फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, गुड फैट्स एंड वाटर। ये कितने परसेंट में होना चाहिए? देखिए, इन जनरल अगर हम बात करें, अगर आपको कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है या फिर आपका जो वजन है वो बिल्कुल ठीक है, तो उस हिसाब से हम बात करें तो आपको 60% कार्बोहाइड्रेट्स डाइट में रेगुलरली इंटेक रखना चाहिए, 20% आपका जो है प्रोटीन डाइट में होना चाहिए। सो क्योंकि प्रोटीन इज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आर बॉडी, जो कि हमारे मसल के वेयर एंड टीयर में रेगुलरली हेल्प करता है, ठीक है। तो इसके अलावा हमें एटलीस्ट जो है 3 से 4 सर्विंग्स वेजिटेबल्स का कंज्यूम करना चाहिए इन अ डे, और फ्रूट्स का 1 से 2 सर्विंग्स हमको रेगुलरली कंज्यूम करना चाहिए, नट्स का हमें 1 सर्विंग ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए रूटीन में। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें अपने डाइट में रखना होता है और गुड फैट्स भी इंक्लूड करने हैं, जिसके लिए हम ड्राई फ्रूट्स या नट्स कंज्यूम कर सकते हैं। ओके, गलत न्यूट्रिएंट्स लेने से क्या हो सकता है और सही पोषण ना मिलने से किसी भी व्यक्ति को किस तरह की बीमारी का खतरा हो सकता है?
देखिए, इसके लिए बहुत सिंपल चीज़ें हैं। अगर आप बात करें डायबिटीज़ की, हाइपरटेंशन की, या फिर हाइपोथायरॉयडिज्म की, या फिर फैटी लिवर की, मोस्टली ये सारी आपकी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं। यानी कि जब आप अपने खान पान का ध्यान नहीं रखते हैं, जब आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो उन लोगों में ये चीज़ें ज़्यादा देखी जाती हैं। जैसे मेजरली अगर मैं बोलूँ तो आज के डेट में PCOS के बहुत केसेस आ रहे हैं, या फिर जो है आपके टाइप 2 डायबिटीज़ के बहुत केसेस आ रहे हैं। मतलब 40-45 तक पहुँचते पहुँचते डायबिटीज़ बड़ा कॉमन सा हो गया है, बिल्कुल कि वो तो लिस्ट का एक हिस्सा बनी गया है कि हाँ, मुझे तो BP और शुगर तो है ही, है ना। जी तो ये सब हमारे खान पान और हमारे गलत रूटीन के वजह से ये परेशानियां हो रही हैं। तो अगर हम उनके ऊपर काम करें तो डेफिनेटली हम इसको रिवर्स भी कर सकते हैं और इसको प्रिवेंट भी कर सकते हैं। तो इस बहुत जरूरी है कि आप अपने खान पान का ध्यान रखें, क्योंकि इट इज ऑलवेज 80% ऑफ द फूड विच यू कंज्यूम एंड 20% ऑफ योर वर्कआउट। तो ये दोनों बिल्कुल चीजों को अगर आप ध्यान रखते हैं तो बिल्कुल आप सेहतमंद रहेंगे। बिल्कुल शिवानी, जैसे कि आप जानती हैं, आजकल के लाइफस्टाइल में सही न्यूट्रिएंट लेना बहुत ही ज़्यादा चैलेंज हो गया है। जैसे कि हमारी लाइफस्टाइल है, हम सुबह ऑफिस के लिए निकल जाते हैं, उसके बाद हमारे पास टाइम नहीं होता, पूरे दिन लैपटॉप पर बैठे रहते हैं, काम करते रहते हैं लोग, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है, तो उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, उसके लिए जो मैं सब लोगों को बोलती हूँ, एक चीज़ वो मैं नहीं बोलती हूँ कि देखिए, एक तो पहले आप अपनी प्रायोरिटी बनाइए अपनी हेल्थ को। तो उसके लिए आपको मेक श्योर करना है कि आप फ्रूट्स अपने घर से लेकर जाएं। बेशक आप कटा हुआ फल नहीं लेके जाएं, लेकिन हाँ, एक फ्रूट आप अपने बैग में जरूर लेके जाएं। साथ में जब हम वो शाम के टाइम भूख लगती है और जब हम चाय के साथ समोसे और पकौड़े इंजॉय करते हैं अपने ऑफिस में, उसकी जगह उसको रिप्लेस करिए हेल्दी स्नैक्स से। तो घर से भुना हुआ चना या भेलपूरी या फिर मखाना, भुना हुआ मखाना, इस तरह की चीज़ों को लेकर जाएं, ताकि आप जो खा रहे हैं एटलीस्ट आपको उससे न्यूट्रिशन मिले। तो जी हाँ, बहुत ज़रूरी है। मैं ये बोलती हूँ कि छोटे छोटे ट्वीक्स अगर हम अपने एक लाइफ स्टाइल में कर लें, अपने रूटीन में कर लें, तो वो हमें हेल्दी रूटीन की तरफ लेके जाता है। तो इट स्टार्ट्स विद यू नो 1 or 2 स्मॉल हैबिट्स जो आपको शुरू करनी होती है स्टार्टिंग में। शिवानी, मेरा अगला सवाल आपसे यह है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और आपका ये दूसरा होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो क्या न्यूट्रिएंट्स, होता है और इसमें डिफरेंस कितना होता है और ये किन चीजों से मिलता है? देखो, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो हमारे होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स, है ना, जो कि जिसको हम ग्राम में आप जिसको हम वे कर सकते हैं ना, वे कर उसको सकते हम हैं, बोलते बिल्कुल हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, है ना। तो जैसे हम कार्बोहाइड्रेट को वे कर सकते हैं, प्रोटीन को वे कर सकते हैं, और ये हमारा मैसिवली इंपॉर्टेंट होते हैं। यानी कि ये हमारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दे आर ऑल्सो आर एनर्जी गिविंग एंड आर बॉडी बिल्डिंग फूड्स, इसको हम बोल सकते हैं, जी ठीक है। जैसे जिसमें कि एनर्जी गिविंग में आपका फैट और आपका कार्बोहाइड्रेट आ जाता है, एंड प्रोटीन जो है वो हमारा बॉडी बिल्डिंग में हेल्प करता है। तो ये हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि हमारी डाइट में बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिसको हम मिलीग्राम में जो है चेक करते हैं। तो उसमें हमारे वाइटामिन्स और मिनरल्स आ जाते हैं, जो कि ऑल्दो हमारी इन जनरल हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बट इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत इसेंशियल इनका रोल रहता है हमारे बॉडी के वेलबींग में और हमारी अच्छी हेल्थ में। शिवानी, मेरा अगला सवाल आपसे यह है, टीनेजर्स के लिए बेस्ट मील कौन सी होती है और ये 3 बार खाना चाहिए या फिर 6 मील में खाना चाहिए खाना, क्योंकि आजकल लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि उन्होंने सुबह खाया, शाम खाया और रात का खाना खा के ख़त्म कर दिया, पर 6 मील में अगर हम इसे डिवाइड करते हैं तो उससे कितना हमें फ़ायदा होगा? देखिए अनुज, ये डिपेंड करता है कि आपका रूटीन और आपका लाइफस्टाइल किस तरह का है, ठीक है। तो अगर आप एक स्टूडेंट हैं, अगर मैं टीनेजर्स की बात करूं, और अगर आप एक स्टूडेंट हैं, तो उस केस में आप डेफिनेटली 6 मील्स ले सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पे आपकी बॉडी की रिक्वायर्ड एनर्जी भी ज़्यादा होती है। अगर मैं अभी पिछले कुछ दिनों की बात ना करूं कि आप लॉकडाउन में घर पे थे सारा टाइम और सिर्फ अपने फ़ोन और मोबाइल के साथ बैठे हुए थे, तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा हैवी मील्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट इन जनरल जो कॉलेज जाते हैं बच्चे या स्कूल जाते हैं बच्चे, उस केस में वो घूमते फिरते रहते हैं, फिजिकल एक्टिविटी काफ़ी होती है, तो उनको रेगुलरली स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स चाहिए ही होते हैं। बट इन जनरल भी मैं यही बोलना चाहूंगी बच्चों के लिए कि स्टार्ट टेकिंग स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स, बिकॉज उससे क्या होगा कि एक रेगुलर फ्लो ऑफ एनर्जी आपके बॉडी में रहेगा, जिससे आप लो नहीं फील करेंगे। एंड सेकेंडली, वो आपको हेल्प करेगा कि आप एक बार में बहुत ज्यादा नहीं खाएं, जिससे क्या होगा कि जब बहुत ज्यादा ग्लूकोज एक बार में नहीं होगा और अगर आप बहुत देर तक बैठे हैं, तो वो फैट में कन्वर्ट नहीं होगा और वो सिर्फ ग्लाइकोजन के फॉर्म में ही आपके बॉडी में रहेगा, विच मीन्स कि चांसेस ऑफ गेटिंग फैट वुड बी लेस इन दैट पर्टिकुलर वे।
तो कोशिश करिए कि थोड़ा थोड़ा थोड़ी थोड़ी देर में खाइए, ताकि जो है आप फिट रह सके और आपका जो है एनर्जी लेवल बहुत अच्छा रह सके थ्रू आउट द डे। शिवानी, एक व्यक्ति को प्रतिदिन कितना पानी पीना चाहिए? आजकल लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि पानी पीना है नहीं पीना, या पीना है तो कितना पीना है। लोग कहते हैं कि 2 ग्लास मैंने पानी पी लिया सुबह से, ये इनफ है, पर कितना पानी है एक व्यक्ति को, कॉमन व्यक्ति को या नॉर्मल व्यक्ति को पीना चाहिए? बिल्कुल, तो देखिए मैं आपको एक चीज़ बहुत सिंपल चीज़ बताती हूँ कि बहुत सारे लोग मेरे पास ऐसे आते हैं कि जो बोलते हैं कि हमें तो प्यास ही नहीं लगती, हम पूरा दिन हमें प्यास नहीं लगती है। एंड जब उनसे पूछा जाए कि वो पानी कब पीते हैं, तो वो बताते हैं कि वो जब रात को बेड पे जाते हैं ना, उस टाइम पे वो पूरी एक एक बॉटल पानी पी लेते हैं, या फिर रात को उठ उठ के पानी पीते हैं। ठीक है, तो अनुज सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी बॉडी खुद में इतनी सक्षम होती है और हर चीज के हमें इतने ज्यादा साइंस देती है कि यू आर थर्स्टी यू नीड टू ड्रिंक वाटर, बट हम उनको इग्नोर कर देते हैं क्योंकि मे बी आजकल हम लोग एसी वाले कमरों में बैठते हैं, तो उनको वो प्यास फील ही नहीं होती है सारा दिन, है ना। बट रात को बॉडी क्योंकि डिहाइड्रेट हो चुकी है, तो वो मांगेगी ही उस चीज को। तो मैं ये बोलूंगी कि पानी पीने का जो सबसे सही समय होता है, वो होता है एक तो सुबह खाली पेट पीना, क्योंकि उस टाइम पे एब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा होता है हमारी बॉडी में, तो हमारी बॉडी सुबह सुबह हाइड्रेट हो जाती है। और तीसरा, आपको एक पूरा दिन में जो पानी पीना चाहिए, वो डिपेंडिंग अपॉन कि आपका किस तरह का काम है और आप कितना वर्किंग है, आपको कहीं ना कहीं 2 से 3 लीटर के बीच में पानी जरूर पीना चाहिए। और जैसे जैसे रात होती जाती है, वैसे वैसे पानी की क्वांटिटी रिड्यूस कर देनी चाहिए। तो मोर वाटर इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द डे, एंड देन स्लोली एंड ग्रेजुअली व्हेनेवर यू रिक्वायर इट, आप पानी पिए। शिवानी, मेरा अगला सवाल आपसे यह, आजकल सभी लोग स्वाद के चक्कर में मसालेदार खाना खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, आप सभी जानते हैं, और क्या कहते हैं, खासकर ये बच्चों की जो इसमें इम्पोर्टेंस है, और बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा ये बाहर का जंक फूड अपने लिए यूज़ करते हैं और डेली खाते हैं एवरीडे। तो हमें आप ये बताइए कि सही पौष्टिक आहार में हम स्वाद कैसे डाल सकते हैं, यानी कि एक घर के खाने में हम स्वाद कैसे डाल सकते हैं और उसके साथ साथ हेल्दी कैसे रह सकते हैं? देखिए अनुज, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि जितना भी आजकल ये प्रॉब्लम बहुत बन चुका है कि जंक फूड, बच्चे जो है बिना जंक फूड के खाना नहीं खाते, वो घर की रोटी नहीं खाना चाहते, चावल नहीं खाना चाहते, उसका एक बहुत बड़ा रीजन तो ये है कि हम शुरू से बच्चों को वो हैबिट ही नहीं डालते। सो इट स्टार्ट फ्रॉम देयर। ठीक है, तो आई ऑलवेज रिक्वेस्ट दिस टू एवरी पेरेंट, इफ यू आर सीइंग एंड यू नो इफ यू आर कंसर्न अबाउट योर चाइल्ड्स हेल्थ, सो मेक श्योर दैट यू नो एवरी हैबिट स्टार्ट फ्रॉम होम। ठीक है, तो आप जब खाना खाना खाते हैं, अपने बच्चे को साथ में बिठा के खिलाएं, जब आपको खाता देखेंगे तो वो भी खुद खाएंगे। दूसरी चीज ये कि ट्राई, बिकॉज जो भी बच्चे होते हैं ना, बच्चों को क्या होता है, वो खाना खाते बाद में, बट पहले वो अरोमा जो है फूड का, और दूसरा वो खाना दिख कैसा रहा है, वो बहुत मैटर करता है। तो आप ट्राई करें कि खाने को, खाने में वैरायटी ऐड करें और जो है नए नए टाइप के रेसिपीज ट्राई करें। जैसे कि अगर आप बोलो कि नॉर्मल बच्चा अगर रोटी नहीं खा रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं कि कलरफुल वेजिटेबल्स डाल के, जैसे कि बीट रूट या फिर पालक डाल करके उसमें कलरफुल चपातीज बनाए छोटी छोटी, और फिर बच्चों को बोले कि चलो देखो कि यू नो व्हाट कलर्स आर दीज, इसको एंड देन ट्राई टू प्रेजेंटेशन गिव थोड़ा सा देम। चेंज कर दें। एग्जैक्टली, क्योंकि बच्चे वही सारी चीजें देखते हैं ना, तो वो हो गया। या फिर आप जैसे हम बोलते हैं फ्रेंच फ्राइज बच्चे बहुत खाते हैं आजकल, तो आप उसको स्वीट पोटेटो से घर पे आप उनको फ्रेंच फ्राइज बनाकर दे सकते हैं, जिसमें एटलीस्ट अजीनो मोटो और दूसरी चीजें तो नहीं है ना जो बच्चे के लिए हार्मफुल है। तो आप घर पे बर्गर्स उनको बना सकते हैं, जिसमें आप उनकी पैटी जो है वो राजमा की बना दीजिए, जिससे एटलीस्ट आपके दिमाग में ये होगा कि बच्चे ने प्रोटीन रिच कुछ खाया है, खाली वो आलू मतलब नहीं खाया है ना। तो इस तरीके से आप बच्चे के लिए प्रेजेंटेशन पे वर्क करें। दूसरा, जितना वो प्रेजेंटेबल होगा और जितना उसका अरोमा अच्छा होगा, उसी तरीके से बच्चे को चीजें पसंद आएंगी। तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम द बिगिनिंग, दैट हैज टू बी टेकन केयर ऑफ। बच्चों के साथ साथ हम महिलाओं की भी बात कर लेते हैं। महिलाएं अपने खान पान का ध्यान बिल्कुल नहीं रखती हैं, आप जानती हैं, तो उन्हें इस वजह से किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, और खासकर अडल्ट्स में? बिल्कुल, तो देखिए सबसे बड़ी तो प्रॉब्लम ये हो गई है कि एक तो अगर हम लोग जनरल जो घर पे महिलाएं रहती हैं उनकी बात करें, तो वो तो जितना मैंने देखा है, वो 11-12 बजे से पहले तो वो लोग नाश्ता भी नहीं करना चाहते क्योंकि घर के काम और सारी चीजों में, बट हाँ तब तक 3 से 4 चाय जरूर हो जाती हैं। तो मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि एक तो मेक श्योर कि आप जब उठते हैं सुबह, उसके 2 घंटे के अंदर अंदर कुछ खा लें, बिकॉज आपका बॉडी के लिए ना, जैसे होता है ना गाड़ी चलने के लिए पेट्रोल की जरूरत होती है, तो आपके बॉडी को भी जरूरत होती है कि आप थोड़ा सा उसको कुछ फ्यूल दें, विच इज फूड। तो
तो मेक श्योर कि आप उठने के 2 घंटे के अंदर अंदर कुछ खा लें। दूसरा, एडल्ट वुमेन के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो अपने न्यूट्रिएंट्स का ध्यान रखे, क्योंकि जब एक फीमेल अपने 30s में होती है तो बहुत जल्द ही उस टाइम पे डिप्लीशन शुरू हो जाते हैं कैल्शियम स्टोर्स के। तो मेक श्योर कि आप अपना कैल्शियम का चेकअप रेगुलर कराएं और उसका ध्यान रखें, अपना वाइटामिन डी चेक जरूर कराएं क्योंकि उसकी डेफिशिएंसीज होती हैं। इसके अलावा आयरन का ध्यान रखें क्योंकि धीरे धीरे करके जब वो आप मेनोपॉज की तरफ जाएंगे तो आपको उस काफ़ी वीकनेस होना शुरू हो जाएगी या फिर सिम्टम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा होंगे। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने 30s से ही इन चीज़ों का ध्यान रखें अपने शिवानी, मैं मील्स में। आपसे आपको रोकना चाहूँगा, सॉरी, पर आप जाते जाते, क्योंकि हमारा टाइम थोड़ा सा अभी शॉर्ट हो गया है, तो जाते जाते आप हमारे दर्शकों को क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, मैं यही सलाह देना चाहूंगी कि आप एक चीज का ध्यान रखिए, अगर आप अपनी डाइट में रेगुलरली गुड फैट्स का एक सोर्स रख रहे हैं, यानी कि आप सीड्स और नट्स को इंक्लूड कर रहे हैं, फ्रूट अपने डाइट में एटलीस्ट 1 से 2 रख रहे हैं और सैलेड्स ट्वाइस अ डे ले रहे हैं और डिफरेंट ग्रेन्स ले रहे हैं, तो ट्रस्ट मी, आप इजिली अपना वेट भी मेंटेन कर सकते हैं प्लस अपनी हेल्थ को भी मैनेज कर सकते हैं। तो बस इन चीज़ों का ध्यान रहिए रखिए, खुश रहिए और प्लीज एक्टिव रहिए। शिवानी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए और हमें ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच अनुज, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। हेल्दी रहने के लिए एक हेल्दी लाइफस्टाइल, खासकर कि सही खाना बहुत जरूरी है, इसलिए हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ साथ हेल्दी खाना खाएं और स्वस्थ रहें। अब हमें दीजिए इजाजत, हम कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ और एक नए गेस्ट के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें। चलते चलते हम आपको बताना चाहते हैं TV9 डिजिटल के न्यू इनिशिएटिव TV9 वैन के बारे में। आखिर क्या ही ये न्यू इनिशिएटिव, देखते हैं इस छोटी सी वीडियो में। Today, doctors are busier than ever providing care and advice to patients. And the reality is that an average patient now spends much more time in the waiting room than in the doctor's chamber. With such a captive audience, it's time to put their wait time to good use. Introducing TV9 Waiting Area Network that provides premium patient engagement experience through engaging and informative videos. These videos are created keeping in mind an Indian patient seeking medical attention. TV9 Waiting Area Network provides a perfect platform for educating the patients on everything a doctor's practice has to offer while elevating the doctor's brand at the same time. As a doctor, all you need is to have Wi-Fi at your clinic and we'll take care of the rest. We provide you with a TV, a media player, your clinic profile, and a playlist customized as per your practice. Combine all this with the regular news updates from TV9 and you have an awesome branding and marketing tool for your clinic. Write to us at wan@tv9.com and we'll get in touch with you to set up our solution at your premises.